आज हम चिल्ब्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने जो पिक्चर्स हैं पेशेंट की वो भी देखी कि पाँव स्पेशली सर्दियों का मौसम है तो इस तरह के पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि जैसे ही उनके पाँव गर्म होते हैं तो वो जो उंगलियां हैं पाँव की वो एकदम से सूज जाती हैं, ख़ारिश होती है, रेडनेस होती है और पेशेंट को बहुत बर्निंग भी और डिस्कम्फर्ट होता है। तो बेसिकली तो ये है कि इसमें हम सबसे पहले उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी यूजुअली पॉजिटिव होती है और अगर हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना हो तो हम इसको इसमें जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन है टू रूल आउट एनी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, क्योंकि इसकी चिल्ब्लेन की एसोसिएशन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ है। ये इडियोपैथिक भी होता है, फेमिलियल भी, लेकिन इस कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ भी एसोसिएशन है। टू बी ऑन सेफर साइड भी हम CBC करवा लेते हैं, पेशेंट की ESR, ANR, RA फैक्टर करवा के देख लेते हैं। अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो इसका मतलब है कोई अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ नहीं है। तो हम सिंपल पेशेंट को रीअश्योर करते हैं कि आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली जो है पाँव को एकदम से गर्म से ठंडा और ठंडे से गर्म मत करें और सर्दी से बचा के रखें। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे हम जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो टॉपिकल स्टीरॉयड होता है और उसके साथ एंटी हिस्टामिन होती है। लेकिन अगर पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हों और पेशेंट, तो हम फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी एज वैसोडाइलेटर देते हैं उनको के वो फिर उनको उससे सुकून रहता है। उसकी लो डोज से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट देते ही लो डोज हैं क्योंकि यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है और उनको BP भी उनका मतलब ब्लड प्रेशर का भी उनको कोई इश्यू नहीं होता। और फिर नाइट टाइम पे देते हैं, अगर सपोज उससे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से उनके BP का कोई इशू भी हो तो उनको वो जो है पोस्टल हाइपोटेंशन या वर्टाइगो ना हो, रात को सोते हुए लें ताकि वो कंफर्टेबल रहें। इस तरह हम जो है ना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सर्दियों में हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। बीइंग GP आपके पास भी इस तरह के बहुत पेशेंट आते होंगे जो कहते हैं कि हमारे पाँव की जो उंगलियां हैं वो सुर्ख हो जाती हैं, ख़ारिश होती है और बहुत जलन होती है और स्पेशली सर्दियों में ये होता है। तो आप अपने पेशेंट को सेफली टॉपिकल स्टीरॉयड्स और एंटीहिस्टामिन एडवाइस कर सकते हैं और सेफर साइड पे आप उनको कोई जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है वो भी करवा सकते हैं। थैंक यू।